सवाल इनका ये है कि दिन कब से शुरू होता है, असर के बाद या मगरिब के बाद से नया दिन कब से माना जाएगा। असल में इस्लामी नुक्ते नज़रिए से तो पहले रात होती है बाद में दिन होता है, यानी रात पहले दिन बाद में, और ये मगरिब के बाद तब्दील होती है, और मगरिब के बाद दिन तब्दील नहीं होता बल्कि तारीख तब्दील होती है। तो मगरिब के बाद जो नई तारीख लगेगी उस तारीख की पहले रात होगी और उसके बाद उसका दिन होगा उस तारीख की। तो इस तरीके से असर के बाद नहीं, मगरिब के बाद तारीख चेंज होगी और उसी के अंदर उस तारीख का पहले रात बाद में दिन। तो जो जुमे के शब होगी यानी जो जुमे की रात होगी तो वो जुमरात वाले दिन मगरिब के बाद जो रात आएगी यानी जिसको आम तौर पे जुमेरात की रात कहेंगे वो असल में शब जुमा उसको कहेंगे। और जुमा निकाल देने के बाद जुमे की मगरिब के बाद यानी जुमे के दिन मगरिब के बाद जो शब आएगी वो हफ्ते की शब होगी, ना कि जुमे की शब। तो रात पहले होती है दिन बाद में, तो जुमे की रात भी पहले होगी। अब अपनी कजा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान, विजिट करें kazacalculator.smsfarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कजा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।